हाय फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो पीडीएफ फाइल का साइज रिड्यूस करने का तरीका जो मैं आपको दिखाएंगे अभी, वो है एप्पल के मैक में। तो चले शुरू करते हैं। तो ये मेरा एक फाइल, देखिए ये जो डेस्कटॉप में है मेरा फाइल, इसको हम पहले देख लेते हैं इसका कितना एमबी है, इसका फाइल साइज कितना है। तो अब देखते हैं, देखिए ये 3 MB के साइज है ये फाइल का। तो इसको हम अभी रिड्यूस करेंगे। तो क्या करना है, ये इनबिल्ट ऑप्शन मैक में रहता है। मैक इसलिए इतना पॉपुलर है कि इसको सॉफ्टवेयर आपको परचेज करना नहीं पड़ता है, इनबिल्ट जो रहता है वो मोर देन सफिशियंट है। इसलिए एप्पल का प्रोडक्ट का कॉस्ट भी ज़्यादा है, इसका हार्डवेयर क्वालिटी भी अच्छा है। तो आप देखिए इसको क्या करने का है, आपको पहले इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, उसके बाद ओपन विथ प्रीव्यू, प्रीव्यू में जाना है। तो प्रीव्यू कर लिया तो ये एक पब्लिक सर्विस कमीशन का एक रिजल्ट है मेरा। तो ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको तो फाइल खोल गया। अभी क्या करना है, ये देखिए प्रीव्यू, उसके बाद ये जो है फाइल, फाइल में क्लिक करना है, उसके बाद एक्सपोर्ट, वो एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद देखिए मेन जो ऑप्शन है ये क्वार्ट्ज फिल्टर है, ये क्वार्ट्ज फिल्टर में नॉन है। तो आपको क्या करना है, क्वार्ट्ज फिल्टर को देखिए ये रिड्यूस फाइल साइज जो है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट हो गया, और कुछ नहीं करना है आपको। अभी ये सेव डेस्कटॉप में होगा तो ये फाइल का जो किस नाम में सेव होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसको, इस फाइल नेम को मैं थोड़ा अंडरस्कोर देके एक नाम देता हूँ क्योंकि हम पहचान सके। रिड्यूस्ड इन साइज, तो इसको मैंने एक नाम दे दिया रिड्यूस्ड इन साइज देके, और जस्ट हमको सेव करना है। तो यहाँ एक डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज ये है कि रिड्यूस फाइल साइज हम कितना तक रिड्यूस करें ये कोई ऑप्शन यहाँ नहीं है। तो इसलिए ये थोड़ा आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो रिड्यूस होगा वही मानना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। लेकिन ये जो रिड्यूस होगा वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, हम दिखाते हैं आपको। जस्ट सेव करना है, तो सेव कर दिया। तो ये देखिए ये मेरा फाइल आ गया, तो इसको हम बंद कर देते हैं और इसको देखिए ये रिड्यूस इन साइज जो है इसको हम खोलते हैं। तो देखिए अभी रिड्यूस हो गया, लेकिन इसका जो फाइल का जो क्वालिटी थोड़ा, ये तो नॉर्मली है कि आपका फाइल का जो क्वालिटी हो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अगर साइज रिड्यूस होता है तो क्वालिटी रिड्यूस होगा, ये नेचुरल है। लेकिन इसका आपका कंट्रोल नहीं है इसमें, इसलिए ये जितना मैक्सिमम रिड्यूस कर सके वो कर दिया। तो ये है रिड्यूस फाइल, और इसका हम साइज देख लेते हैं। पहला जो साइज था वो 3.3 था, देखिए 209 KB हो गया। कितना रिड्यूस हो गया आपका मालूम है? ये आपको अभी ऐसा कुछ वेबसाइट रहता है कि हमको इम्तिहान देने के लिए, कुछ एग्ज़ाम के लिए ऐसा कुछ रहता है जहां आपको थोड़ा फाइल साइज जो वो मेंशन कर देता है कि इतना KB के ज़्यादा, क्या इतना साइज के ज़्यादा आप अपलोड नहीं हो नहीं कर सकते। तो उस फंक्शन के लिए, उस जो तकलीफ हमको देता है कि ये मुसीबत में हम पड़ जाता है क्या करें ना करें, आपके पास मैक है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इजीली हमको आप रिड्यूस कर सकते हैं। आपको मैंने दिखाया, और एक तरीका भी है, वो आप ऑन नेट जाके भी कर सकते हैं। लेकिन ऑन नेट जाने से आपको ये सोचना चाहिए, जो फाइल आप ऑन नेट अपलोड करके, आप ऑन साइड, आप एक्चुअली ऑनलाइन जो साइड में आप जब रिड्यूस करते हैं तो वो फाइल चला जाता है उसके पास। एक्चुअली आपका कोई ऐसा कोई प्रीसियस फाइल है जो बहुत आपके मायने रखता है, को किसी को पता ना चले, तो उस जैसे फाइल को आप जब रिड्यूस करते हैं तो वो बाहर चला जाता है और आप इनसिक्योर हो जाता है उस फाइल के बारे में। इसलिए आपके पास मैक है तो किसी के पास जाना नहीं, कुछ करना नहीं, थोड़ा सिंपल ट्रिक्स जो मैंने दिखाया आपको वो अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो बस समाप्त करते हैं आज के वीडियो।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, गुड नाइट।